जिला भाजपा की ओर से कांग्रेस सरकार के खिलाफ 28 अप्रैल को महाराजा गंगा सिंह चौक पर जन आक्रोश घेराव और प्रदर्शन किया जाएगा। श्री गंगानगर में बीजेपी जिला अध्यक्ष आत्मराम तरण ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, राजस्थान की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने किसान कर्ज माफी, बेरोजगारों और रोजगार और बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराने और प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच कराने, घरेलू बिजली आपूर्ति कराने, किसानों को पूरे 8 घंटे की बिजली देने, गेहूं की ऑफलाइन खरीद चालू करने, किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने में विफल रही। इसलिए भाजपा की ओर से 28 अप्रैल को महाराजा गंगा सिंह चौक पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। नव भारत समाचार, श्रीगंगानगर, राजस्थान से साहब राम की रिपोर्ट। रीट का पेपर आउट हुआ, रीट में जो चीट हुई उसमें सरकार के मुख्य होद्देदारों तक बात जाती है और वो बात राजीव गांधी स्टडी सर्किल तक गई और बोर्ड के चेयरमैन दारोली का काम तो शिक्षा संकुल के वहाँ से पेपर आउट हो जाना तो अपने आप में कुछ बात साबित करता है। दारोली को इस्तीफा देना पड़ा, दारोली ने खुद ने आपने उसका बयान पढ़ा होगा, यदि मुझ पर आंच आई तो बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। इस बात को सरकार छिपा गई और अब मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण पकड़ा गया, मुख्य आरोपी शेर सिंह मीणा पकड़ा गया, तो आगे कौन? और आगे जब बाबूलाल कटारा आया तो आप सीधी सीधी इंगित करते हैं कि जो व्यक्ति इनका आरपीसी में चेयरमैन के पद पर बैठा है, जो व्यक्ति सीएमओ में लगातार इनका आईजी विजिलेंस रहा सीएमओ में और तो ये धोखा हुआ है और एक नौजवान सब परिवारों को जोड़े तो ये 2 करोड़ के लगभग राजस्थान में संख्या होती है, 2 करोड़ लोगों को सीधे सीधे अफेक्ट इसने किया है और बेरोजगारों का इतना बड़ा छलावा सरकार ने किया है तो ये कितना बड़ा आक्रोश सरकार के खिलाफ बात को लेकर है। और किसानों की कर्ज माफी की बात करने वाली सरकार विधानसभा के सवाल के जवाब में कहती है 6-8 महीने पहले ये कहती है कि 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो चुकी है, 18,000 किसानों की राजस्थान में जमीनें नीलाम हो चुकी है। वो सरकार हमेशा कहते हैं कि हम जमीन नीलामी रोक रहे हैं, नीलामी नहीं कर रहे, नीलाम नहीं होगी और सरकार स्वयं जवाब देती है कि 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम होगी। गंभीर जैसा संकट आया, सरकार की नेगलिजेंस देखिए, सर्विस से अंदाजा लगा लो कि ये जो काउ बेल्ट में हम बैठे हैं और जो लंबी का संकट पहले दौर का संकट है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट बीकानेर हनुमानगढ़ गंगानगर जिले हुए और जहाँ मैं कहता हूँ बीकानेर अकेले जिले में जहाँ हमारी बीकानेर जिले की पेट्रोल कैलकुलेशन 2019 की 12.5 लाख है, आज 15 लाख गोवंश होता, 3.5 लाख गाय अकेले बीकानेर जिले में काल गौली तो ये सरकार प्रदेश का आंकड़ा 6,033 देती है और जब चुनावी साल में झुंझुना देती है कि हम एक पशुपालक की 2,40,000 रुपये देंगे तो कहाँ है आपके गंगानगर जिले में उन्होंने 2400 गाय मानी, 2400 गाय पूरे श्री गंगानगर जिले में काल गौली तो ये अब सरकार की नेग्लिजेंसी का लापरवाही का अंदाजा देखिए कि जिस दिन इस लंपी का संकट आया सरकार को समय पर चेताने का काम किया कि आपके पास अभी इसकी कोई वैक्सीन देश में नहीं बनी है लंपी के खिलाफ तो इसमें ये गोट बॉक्स काम आ सकती है, गोट बकरी में ये वायरस पहले आ चुका है, उसका इंजेक्शन बन चुका है तो आप इसको लगा के काम प्रारंभ करिए तो कुछ रोकथाम रहेगी, 60% उसकी एक्यूरेसी है। सरकार ने नीचे पता किया तो पता चला कि राजस्थान में एक भी गोट बॉक्स का इंजेक्शन सरकार के पास नहीं है। सरकार से मैंने पास बैठ के पत्र